चलो देखें, अब हम पढ़ेंगे कौन सी, फोर्थ नंबर की पढ़ेंगे सम संख्याएं। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी संख्या होती है, सम संख्या वे संख्या होती है जो दो के पहाड़े में आती है, दो अर्थात दो चार छः आठ दस इस प्रकार से, ठीक है, दो चार छः आठ दस बारह ये जाती हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती हैं, सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, या फिर अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मतलब ये दो से पूर्णतः भाग जाना चाहिए इन संख्याओं में, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सबसे हमें दो का भाग जा रहा है, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है, सम संख्या। अब इनके बाद आती है कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में नहीं आती, अर्थात या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम कहते हैं विषम या ऑड नंबर, विषम संख्या या ऑड नंबर, ठीक है। ये होती है एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह, तेरह के बाद पंद्रह, पंद्रह के बाद सत्रह, ऐसे ऐसे कर करके ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत, इन्फिनिटी, मतलब कहीं तक संख्या तो अनंत है, सब जानते हैं बात, ठीक है। फिर इसके बाद जो सिक्स नंबर में हम पढ़ने वाले हैं वो है अपनी, देखो हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ ली, प्राकृत या प्राकृतिक एक ही बात है, ठीक है, कोई कोई प्राकृत बोलता है इसको, क्योंकि प्राकृतिक भी बोलता है, दोनों एक ही बात, या करके आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ। अब हम पढ़ने वाले हैं वो जो हम पढ़ेंगे वो होंगी अपनी कौन सी संख्याएँ, भाज्य, ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपन अभाज्य। भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, देखो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं एवं एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, फिर से सुनना अच्छे से, वे संख्याएं, देखो जो डेफिनेशन मैं बोलूं वह डेफिनेशन आपको अपने नोटबुक में जो आइडियो है मेरा उससे सुन के आपको वो डेफिनेशन आपको क्या करना है, लिखना है। ऐसा नहीं कि अब क्योंकि मैंने ये एग्जांपल लिखी, ये ओनली एग्जांपल है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि प्रोजेक्टर की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो डेफिनेशन इसकी है पहले आपको डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल या फिर जैसे करके या फिर कुछ भी उदाहरण करके आप ये संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पेन और नोटबुक अपनी, ठीक है, जो कॉपी होती है अपनी, ठीक है, तो वो आपको अपनी साथ में लेके रखना है, ठीक है। तो अपन अभाज्य, भाज्य संख्या, देखो वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से ही विभाजित हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, वे संख्या कहलाएंगे अपनी, भाज्य संख्याएं। तो हम देखते हैं भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो होती है चार, चार के बाद कौन सी होती है, चार के बाद होती है छः, छः के बाद कौन सी होती है, छः के बाद आठ नौ दस बारह चौदह पंद्रह सोलह अठारह और ऐसे ऐसे अनंत। जब कुछ बच्चे पूछते हैं कि नौ, क्योंकि देखो नौ भाज्य है तो विषम, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, नौ हो गया अपना, पंद्रह हो गया, ठीक है, ठीक है, ये भाज्य और अलग चीज़ है और विषम अलग चीज़ है, जिसको कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो कन्फ्यूज़ ना हो। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो अपना पढ़ेंगे क्या, अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, थोड़ा उनके बारे में और समझें। देखो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, फिर से सुने, देखो वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती
है, ये डेफिनेशन आपको नोट करना है, ठीक है। तो कौन सी है वो संख्या है, सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है दो, ठीक है। उसके बाद तीन, पाँच, सात, सात के बाद जस्ट नौ नहीं है, कौन सी है ग्यारह, ग्यारह के बाद तेरह, तेरह के बाद सत्रह, उन्नीस, तेईस, ऐसे ऐसे करके आना। तो ध्यान ये रहे इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं आता एक और स्वयं के अलावा, वो होती हैं कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब अपनी कौन कौन सी अभाज्य होगी, अब हमें जो पढ़ना है वो कौन कौन सी पढ़ना है, देखो अब परिमेय अपरिमेय पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं, तो यहाँ देखते हैं ये स्पेस यहाँ मिल गया, ठीक है। अब हम जो संख्या पढ़ने वाले हैं वो संख्या कौन सी है थोड़ा सा समझिए। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर है अपना सेवन के बाद लिख लें अपन एट, संख्या कौन सी है थोड़ा अच्छे से लिखें, परिमेय, संख्या कौन सी संख्या बेटा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या कौन संख्या होती है थोड़ा सा देखें उनके बारे में, देखो परिमेय संख्याएं की डेफिनेशन से देखो, वे संख्याएं जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सॉरी वे संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कैसे देखें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जो क्यू है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये शर्त है इसकी, इसकी शर्त क्या है कि जो क्यू है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। ये बराबर मतलब देखो क्यू बराबर जीरो लेकिन काट दिया तो नहीं का निशान बन जाता, ठीक है। तो क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे देखो जैसे करके हम देखें इसको, जैसे जैसे संख्या अपनी कौन सी है जीरो, देखो जीरो एक परिमेय संख्या क्योंकि शून्य बटे एक, तो क्यू का मान पी का मान जीरो हो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मान जीरो काय का नहीं होना चाहिए क्यू का, ठीक। तो जीरो, एक, दो, चार बटे पाँच, सात बटे नौ, ऋण चार, तीन बटे दो, तीन अच्छा सा बना दो थोड़ा सा, तीन बटे दो, इस प्रकार से ये जो संख्या लिखी है देखो कोई भी नंबर। अच्छा अब परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में इनको, देखो जो प्राकृतक है वो परिमेय है, अच्छे से ध्यान से देखना, जो पूर्ण है वो भी परिमेय है, जो पूर्णांक है वो सब काय के अंतर्गत आते हैं परिमेय के अंतर्गत आते हैं, जो सम है वो काय के अंतर्गत आती है परिमेय के अंतर्गत आती है, और जो विषम है वो भी किसके अंतर्गत आती है परिमेय के अंतर्गत आती है, और जो भाज्य है वो किसके अंतर्गत आती है वो भी परिमेय के अंतर्गत आती है, और जो अभाज्य है वो भी किसके अंतर्गत परिमेय। सीधी बात ये है कि 1 to 7 नंबर जितने भी लिखी हैं वो सब इसके अंतर्गत आती है, तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो पी बटे क्यू का तो फॉर्म है वो तो ठीक है, वो तो अपन जानते हैं कि पी बटे क्यू वाली परिमेय है, लेकिन इसके पहले जितनी भी ये संख्या लिखी है अपने बोर्ड पे इस साइड वो सारी कौन सी संख्या है, वो सभी कौन सी संख्या है, ये सभी अपनी परिमेय संख्या ही है, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद देखते हैं इसका अपरिमेय संख्या कौन सी, अपरिमेय संख्या है ये नंबर, इसको दे दें अपन 9, ये अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होते हैं देखो, थोड़ा सा अच्छे से बना दे ऐसा, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है वे संख्याएं हैं, ठीक है, जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, अच्छे से सुनना, इनको हम पी बटे क्यू के रूप में परिमेय को लिख सकते थे लेकिन इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। सीधी बात यह है कि यहाँ से लगाकर एक से लगाकर जो 7 तक 8 तक की संख्याएं लिखी हैं ये इनमें से कोई भी आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपरिमेय को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। सीधी बात इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, बस ये याद रखो, ठीक है। ये कौन सी संख्या है प्रसिद्ध, देखो करणी 2, ठीक है,
ये एग्जाम्पल करके ऐसा करके देख लेना, करणी 3, ठीक, पाई, पाई तो सब परिचित है पाई से, तो ठीक है, और 2 धन करणी 5, ठीक है, और भी 2 माइनस करणी 5, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान है, सीधी बात ये है कि कोई भी अभाज्य संख्या यदि करणी के अंदर लिखी है, वर्गमूल के अंदर है, तो वह अपरिमेय संख्या है। फिर से सुने बात, यदि कोई भी, सुनना अच्छे से, यदि कोई भी अभाज्य संख्या करणी के अंदर या वर्गमूल के अंदर है, तब वह एक अपरिमेय संख्या है, चाहे करणी 10 क्यों ना लिखें हम। यदि करणी 10 लिखेंगे तो कैसे, 5 गुणित 2, तो जैसे मान लो कि करणी 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है वो समझे, हम लिखेंगे 5 गुणित 2, तो दोनों करणी के अंदर कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य हो गई कि नहीं, ठीक है, तो दोनों अभाज्य संख्या है ना, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो आगे वाली जो संख्या है वो कौन सी है, इसके बाद आने वाली संख्या है वास्तविक संख्याएं। तो ये जो है, ये 10th क्लास NCERT का क्या है, चैप्टर 1 का नेम है, जो क्या है इसका नाम, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक